हेलो सिक्स क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर सेकेंड फ्रॉम ज्योग्राफी एंड चैप्टर नेम इज ग्लोब। बिफोर स्टार्टिंग आर चैप्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूली के। सो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैसे ग्लोब जो है एक स्पीयर या बोल सकते हैं लाइक गोले के रूप में हमें शो किया जाता है या दिखाया जाता है, जिसका छोटा एक मिनिएचर बोले वो है ग्लोब होता है, या फिर हम लोग बोले अर्थ का एक छोटा मिनिएचर हमारा ग्लोब होता है। उसमें फिर हमने डिफरेंट थिंग्स लाइक एक्सप्लेन करी थी या डिस्कस करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कैसे इक्वेटर लाइन जो है एक पूरे ग्लोब को या अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन के रूप में दो डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फीयर के अंदर या अर्थ गोले में डिवाइड करती है। तो ये कुछ थिंग्स थी जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी, आज हम लोग करेंगे उसके आगे कंटिन्यू। तो इसमें दे रखा है जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लाइंस जो स्पेशली एज अ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड होती है या उस बेसिस पे बनी होती है, और क्या इनका स्पेशली इम्पॉर्टेंस है या यूजेस क्या है वो देखते हैं। तो दिया है बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर लाइन मतलब जस्ट जो हमारे अर्थ को बिल्कुल मिड से या बिल्कुल सेंटर से कट करती है उसे हम लोग बोलते हैं। तो बोला गया है बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। मतलब अगर हम लोग बात करें किसके अकॉर्डिंग, 0 डिग्री इक्वेटर के हिसाब से, तो हम नॉर्थ की साइड में चले जाएँ या साउथ की साइड, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों तरफ चले जाएँ तो हमारे को 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोला गया देर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब फोर पैरेलल्स लैटिट्यूड्स जो आपकी लाइनें हैं, ये हम लोग बात करें फोर इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमारे लिए पूरे ऑल ओवर ग्लोब के अकॉर्डिंग माने या अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका हम लोग डिग्री वाइज अगर हम कंपेरिजन करें या डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो 23.5 नॉर्थ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, नॉर्थ साइड में आपको देखने मिलेगा, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ या अपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब जस्ट बिलो द इक्वेटर या इक्वेटर के जस्ट नीचे वाले, जिसको 23.5 वही लेकिन कहाँ, साउथ में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो आपकी मेन लाइन होगी जो कि रिप्रेजेंट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि लाइक 23.5 पे बनी होती है या ये ड्रॉ की जाती है ऑन ग्लोब। फिर नेक्स्ट है थर्ड जो इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है वो है आर्कटिक सर्किल, ठीक है। आर्कटिक सर्किल की बात करें तो 66.5 पे लोकेट होती है या 66.5 डिग्री जो होती है उस पर बनी होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, या नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के भी यहाँ पे देखा जाए तो ये आर्कटिक सर्किल पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके अंटार्कटिक सर्किल, तो अंटार्कटिक सर्किल जो होता है वो सेम वही 66.5 पे होगी, बट जहाँ पे वो नॉर्थ पे थी तो वो यहाँ पे साउथ पे होगी, तो मतलब इसको साउथ ऑफ इक्वेटर हम लोग बोल देते हैं। तो ये कुछ फोर पैरेलल लाइंस थी जो कि हमारे को पूरे ग्लोब के अकॉर्डिंग या पूरे बोल सकते हैं ऑल ओवर अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं उसके हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी होती है, और इसी के भी हम लोग जो लोकेशंस होती हैं किसी भी कंट्री की या पर्टिकुलर किसी जगह की वो हम लोग फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन सी होती है, आर्कटिक कौन सी होती है और अंटार्कटिक कौन सी होती है, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, ओके कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर दिया हुआ अभी तक हमने जो डिस्कस की फोर पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस करी थी जो एज़ यूजुअल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ग्लोब के अकॉर्डिंग देखा जाए, या हमारी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ पे बनी हुई होती है हम लोग मान के चलते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब आता है नेक्स्ट आपके हीट जोन ऑफ अर्थ, मतलब हीट जोन जहाँ पर नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, हॉटनेस रहती है, उसके बारे में देखेंगे तो कौन कौन से हैं। तो दिया हुआ द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट द लीस्ट वंस अ ईयर ऑन आवर लैटिट्यूड इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब अगर क्या बोल रहा है कि मिड डे मतलब लाइक ना तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक इवनिंग वाला टाइम हो, ना ही हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा आपके नून वाला मतलब मॉर्निंग वाला, तो मतलब मिड डे की बात करें तो उस टाइम पे सन जो है हमारे जस्ट हेड के ऊपर ओवर हेड मतलब हमारे सर के ऊपर नजर आएगा या देखने को मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या बताया गया है, बिकॉज ऑल लैटिट्यूड इन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण ऐसा बोला गया है, ऐसा कुछ इस कारण देखने को मिलता है। अब स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें या इन एरिया की, तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड टॉरिड जोन,
ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग बात करें जिस एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम हीट मिलती है सन के थ्रू, ठीक है, या बोल सकते हैं अर्थ के वो वाले एरिया या वो वाले प्लेस जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वल या उसके पैरेलल या उसके साथ में या वहीं पे लोकेटेड हैं, तो उन पे पड़ने वाली जो सूरज की रोशनी है, सन की जो हीट है, उन एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। द मिड डे सन नेवर द साइंस ओवर हैड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब मिड डे की बात करें या एग्जैक्टली बात करें मिड डे की जो मध्यांतर हम लोग बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे ये हमारे ओवर हैड मतलब सर पे ऊपर होने के बाद भी ये उतना साइन नहीं करता, उतना लाइक उतना चमकता नहीं जितना नॉर्मल हम लोग मॉर्निंग से लेकर नून तक देखते हैं। तो मतलब फिर क्या होता है, तो कुछ नहीं, जस्ट हम लोग बात करेंगे उस टाइम पे इसे शाइन ये बोल सकते हैं या इसकी हीट जो है वो ज़्यादा होगी, बाकी साइन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नेक्स्ट दिया गया द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल्स। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे पोल की तरफ इंक्रीज या पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, नॉर्दर्न पोल हो चाहे सदर्न पोल हो, तो वहाँ पे इनकी जो एंगल जैसे हमने पढ़ा था 23.5 66.5, तो वैसे वैसे इसके एंगल्स हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। मतलब वहाँ पे सन की जो रोशनी है या सूरज की जो बोल सकते हीटनेस है वो कम देखने को मिलेगी। इसलिए नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के जो रीजन हैं या एरिया हैं वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ठंड ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, या ग्लेशियर्स बोल सकते हम लोग। फिर नेक्स्ट है एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें जहाँ पे मैक्सिमम हीट मिलती है, वहीं पे दूसरी तरफ बात करें आर्कटिक सर्कल जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये चीज़ें जस्ट एक जगह बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वहीं पे दूसरी तरफ क्या होती है, ठंड होती है। तो मतलब ये हमें क्या बताता है कि जस्ट ये एक वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ सन। नेक्स्ट है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब जैसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा मैक्सिमम हीट कहाँ मिलेगी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मैक्सिमम ठंड कहाँ पे कोल्डनेस कहाँ मिलेगी आर्कटिक सर्कल पे। वहीं पे हम लोग बात करें कि मैक्सिमम नॉर्थ से बात साउथ की, तो साउथ में आपको जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आपके ठंड की बात करें कोल्डनेस की तो अंटार्कटिक सर्कल के आसपास देखने को मिलेगा। अब ये दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर या पर्टिकुलर हम लोग बात करें जिनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग इन दोनों एरिया को, और वैसे देखा जाए तो 4 हैं आपके कैप्रिकॉर्न और दूसरा कैंसर, दूसरी तरह हम लोग बात करें आर्कटिक दूसरा अंटार्कटिक, तो ये दोनों ही एरिया हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको टेम्परेट जोन के नाम से टेम्परेट जोन बोलते हैं हम लोग। फिर आगे दिया हुआ है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर्कटिक सर्किल की बात करें, ठीक है, जो नॉर्थ पोल में है, वहीं पे हम लोग बात करें कहाँ पे, साउथ पोल में जहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है या ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो पोजिशन है, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, या हम बोल सकते हैं ग्लेशियर्स वगैरह यहाँ पे जमे हुए देखने को मिलेंगे। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द होराइजन। इसके पीछे कारण क्या है कि सन यहाँ पर ज़्यादा अपनी हीट पहुँचा नहीं पाता या वहाँ तक इसकी हीट या रेज जो होती किरणें होती वो नहीं पहुँच पाती, इसके पीछे कारण सिर्फ यही है। ओके, नेक्स्ट दिया गया therefore its rays are always slanting and provide less heat। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो रेज होती हैं या पर्टिकुलर हम लोग बोल रहे हैं आपके जो किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग मतलब लाइक सीधे पहुँचने वाले स्ट्रेट पहुँचने वाले वो तिरछी पहुँचती है, और इसी कारण यहाँ क्या होती है ठंड ज़्यादा होती है as compared to गर्मी या हीटनेस। therefore called frigid zone। इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, फ्रिगेट जोन के नाम से जानते हैं, और बेसिकली बोलें तो आपकी कोल्ड रीजन हो गया। तो कोल्ड रीजन हमें क्या बताता है,